दोस्तों क्या आप जानते हैं सभी युगों में से कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। शायद आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में समय के कालखंड को चार युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसमें से कलयुग को मानव जाति श्रापित युग बताया जाता है, लेकिन विष्णु पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग है। विष्णु पुराण के एक अध्याय 2 के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास जी गंगा जी में स्नान कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ ऋषि अचानक से प्रकट होते हैं। वो देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी नदी में स्नान करते करते भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वो उसी नदी के किनारे एक वृक्ष के तट पर बैठ जाते हैं। जब महर्षि वेदव्यास जी नदी से बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि इंसानों में स्त्री, वर्णों में शूद्र और युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद वो फिर से डुबकी लगाते हैं और फिर बाहर आकर कहा कि शूद्र श्रेष्ठ होते हैं। इसके बाद फिर एक डुबकी लगाई और बाहर आकर कहा कि स्त्रियां साधु होती हैं और उनसे अधिक धन्य कोई नहीं होता। दोस्तों ये सब सुनकर वहां पर खड़े बाकी के सारे ऋषि आश्चर्यचकित हो गए, और जब महर्षि वेदव्यास जी अपनी क्रिया करके बाहर निकले तो उनकी बात से हैरान ऋषि उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो महर्षि वेदव्यास जी हंसते हुए बताते हैं कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और तप करने के बाद मिलता है, वो त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीने और कलयुग में केवल 1 दिन रात में ही मिल जाता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में ज्ञान और द्वापर में देवार्चन करने से मिलता है, वो कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करने से ही मिल जाता है। कलयुग में केवल थोड़े परिश्रम करने से ही फल की प्राप्ति हो जाती है, और यही कारण है कि सभी युगों में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।